हेलो फ्रेंड, मैं जी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। और फटाफट ऑफिस से थोड़ा सा मार्केट का जायज़ा लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं उसके ऊपर भी थोड़ी सी नज़र डालते हैं, और साथ ही साथ एलन मस्क के कुछ ट्वीट्स हैं उनके ऊपर भी नज़र डालते हैं, क्योंकि कुछ ट्वीट्स जो अभी ट्विटर के ऊपर चल रहे हैं या दूसरी मीडिया साइट्स हैं वहाँ पर इस तरह से बताया जा रहा है कि दिस कुड बी द डिप एज़ पर एलन मस्क। ऐसा कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना जो जो चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, अपनी राय यहाँ पे ज़रूर रखना। ठीक है, तो ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सीधा आपको चार्ट्स के ऊपर लेके चलता हूँ और थोड़ा सा BTC का एक हाल देखते हैं, उसके बाद से इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ है उसके ऊपर थोड़ा सा कवर अप कर लेते हैं। क्योंकि नॉर्मली हमने क्या देखा है कि जब भी BTC ये जो लेवल है, वापस आपको बता रहा हूँ, इसको तोड़ने की कोशिश किया है, नहीं तोड़ पाता है और नीचे आ जाता है, थोड़ा बहुत स्पाइक्स वगैरह ऊपर जाते हैं। यहाँ पर भी देखते हैं कि ये अच्छा खासा एक ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन तुरंत वहाँ पे एक सेल ऑफ भी ज़्यादा अच्छा खासा हो गया। ठीक है, तो स्टिल BTC की जो प्राइस चल रही है 30,600 के आसपास चल रही है, और अगेन जो हमारा एक पहला जो टारगेट है नियर अबाउट 31,300 से लेकर 31,400 के आसपास, ये जो जोन है ये अगेन एक रिस्की जोन होगा। स्कैल्पिंग के अंदर यहाँ पे पैसा कमाया जा सकता है, और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो अच्छा खासा प्राइस ऊपर जा सकता है, बट स्टिल थोड़ा सा यहाँ पे सचेत रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर मैं आपको एक चीज़ यहाँ इम्पोर्टेंट बताता हूँ, एक सेकेंड यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, 4 आवर का ये चार्ट है, और मैंने आपको टेलीग्राम पे भी ये डिटेल्स यहाँ पे बताई थी कि ये जो कैंडल है आप देखो, ये कैंडल हाई गया था नियर अबाउट 31,000 पकड़ो, ठीक है, 31,000 के आसपास तक गया था जो एक प्रीवियस कैंडल का हाई था, और उसके बाद से नीचे इसने वापस से जिन लोगों ने लॉन्ग किया था उसका स्टॉप लॉस हंट करने के लिए जो प्राइस था वो नीचे 30,270 के आसपास आया, यहाँ तक आया, फिर वापस से प्राइस ऊपर गया। ठीक है, तो ये एक अच्छा खासा कह सकते हैं कि एक डॉजी कैंडल जैसा बना हुआ है, और यहाँ पे 3 डॉजी कैंडल्स अगर बन जाते हैं, लगभग तैयार तो नहीं है लेकिन कुछ हद तक एक डॉजी कैंडल जैसे बने हैं, और स्टिल ये काफ़ी अनडिसाइसिव मोड के अंदर चल रहा है कि भाई यहाँ से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, क्योंकि जो बुल्स हैं बियर्स हैं दे बोथ आर कन्फ्यूज कि प्राइस को ऊपर लेके जाना है कि नीचे लेके जाना है। ठीक है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल राइट नाउ इन बिटकॉइन। अब फटाफट थोड़ी सी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसके ऊपर हम लोग नज़र डालते हैं। क्रिप्टो मार्केट कैप सी 60 बिलियन इनफ्लो इन 24 आवर्स एज बिटकॉइन नियर्स 31,000 के आसपास। ठीक है, तो मार्केट कैप जो है उसमें भी 60 बिलियन का इजाफा हुआ है, और 13 आवर्स पहले एलन मस्क ने कुछ ट्वीट्स वगैरह डाले थे। अफकोर्स देखिए, एलन मस्क जो है ये पूरे मार्केट को कह सकते हैं कि ऊपर नीचे करने की क्षमता रखता है, वी ऑल नो। ओके, तो ये एक चीज़ है यहाँ पे, और उसके साथ जो एक्सचेंजेस हैं, कॉइनबेस प्रो की मैं बात करता हूँ, जो और भी एक्सचेंज है, वहाँ पर भी BTC के इनफ्लोज़ आ रहे हैं। तो जब भी एक्सचेंज पर इनफ्लोज़ ज़्यादा आता है, ठीक है, डेट मीन्स कि शायद कुछ सेल ऑफ होने के चांसेस भी हो सकते हैं। जब आउटफ्लोज होता है यानी एक्सचेंज से बाहर निकलते हैं, प्राइवेट हार्डवेयर वैलेट वगैरह में जाते हैं। नेक्स्ट ये चार्ट को हम देखते हैं जहाँ पे एलन मस्क ने कब कब ट्वीट किया था, उसका कब कब क्या क्या रिएक्शन आया था, वो थोड़ा यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, देखिए, जब मार्केट एकदम पीक पे था तब एलन मस्क ने एक ट्वीट किया था, तो ये जो ट्वीट है डेट इज़ ऑन 13 नवंबर 2021, और यहाँ पे एक पिक्चर है, और ये एक कुछ टीले जैसा बना हुआ है, इसके ऊपर आदमी बैठा है, इंडिकेट्स कि ये एक टॉप है, टॉप लग चुका है। ओके, और 69,000 गया था, और उसके बाद से जो था आप देख सकते हैं कि मार्केट में एक गिरावट नीचे की तरफ आई। ओके, और वापस से अभी जो एक ट्वीट डाला था 13 आवर्स पहले डाला था, जहाँ पे जो पिक्चर शेयर की गई थी वहाँ पे सेम चीज़ है, लेकिन जो बंदा बैठा है वो फ्रंट फेसिंग करके बैठा है। ठीक है, अब इसका सब अपना अलग अलग अनुमान लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं कि भाई वो एक टॉप बताया था तो ये एक बॉटम भी हो सकता है। ठीक है, तो वी नेवर नो कि एलन मस्क किस हिसाब से क्या खेल खेले। ठीक है, वी नेवर नो। ओके, कल को कुछ और भी ट्वीट डाल सकता है, तो इसका अभी जो एक लोग नज़रिया निकाल रहे हैं ये है कि भाई इसका मतलब ये हो सकता है कि यहाँ से एक बॉटम हो चुका है, एक नीचे की जो डिप है वो डिप लग चुकी है, अब यहाँ से मार्केट अच्छा खासा रिकवर होगा। अब मैं थोड़ी सी चीज़ यहाँ पर और जुड़ना चाहता हूँ। देखिए, मार्केट में सेंटीमेंट्स जो हैं ग्लोबली इतने सही नहीं है, थोड़ा सा स्टॉक मार्केट अभी जो है वो एक प्लस में चल रहे हैं, उसी हिसाब से जो क्रिप्टो मार्केट है वो भी थोड़ा सा ग्रीन में दिख रहा है। बिकॉज मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है कि राइट नाउ क्रिप्टो मार्केट जो है इट इज़ वेरी मच कोरिलेटेड विद स्टॉक मार्केट, पहले नहीं था, पहले अपोजिट था, अब कोरिलेट होकर चल रहा है, जैसे स्टॉक मार्केट जा रहा है उस हिसाब से ये जा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा स्टॉक मार्केट प्लस में, तो ये प्लस के अंदर है। ओके, तो इसको आप किस हिसाब से सोचते हो, ओके, इस इमेज को, इस ट्वीट को, कि भाई क्या हो सकता है, और अभी एक लेटेस्ट कुछ और ट्वीट डाला है,
टुमारो विल बी द फर्स्ट सनराइज ऑफ द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, मेक इट वॉट यू वॉन्ट। इसको लोग ये देख रहे हैं कि डिप लग चुका है, बाय कर लो BTC, अब यहाँ से अच्छा खासा धड़ल्ले से ऊपर जाएगा। मैसेज रहते हैं, ट्वीट्स रहते हैं, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से रहते हैं, ठीक है, अलग अलग मतलब निकलते हैं, जिस हिसाब से आप बनाना चाहोगे उस हिसाब से निकलेगा, ठीक है। तो अगेन वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विद हिज ट्वीट्स। और उसी तरह से 13th May की हम बात करते हैं, जब पहले उसने कहा था कि टेस्ला सब कुछ एक्सेप्ट कर रहा है, पेमेंट वगैरह कर रहा है, बाद में ट्वीट डाल दिया था कि भाई राइट नाउ वो उसको सस्पेंड कर रहे हैं डॉज पेमेंट्स वगैरह को। और तुरंत जो मार्केट था उस समय 58,000 था, उसके बाद से सीधा मार्केट डंप हुआ 29,000 के आसपास। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक बंदा जिसके वेरी क्लोज टू 100 मिलियन फॉलोअर्स हैं, उसके एक ट्वीट से, ठीक है, मार्केट ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है। तो क्या क्रिप्टो मार्केट ये सेंट्रलाइज्ड है कि डिसेंट्रलाइज्ड है, आप तय करो, आप कमेंट करके मुझे बताओ, ठीक है। मैं तो ये कहूँगा कि बी केयरफुल। प्राइस यहाँ से सपोज़ कीजिए जोश जोश में अगर हम चार्ट्स को देखते हैं, ओके, ट्राई कर रहा है वापस से, एक रेड कैंडल है और लगभग 3 घंटे और बचे यहाँ पे, राइट नो टाइम हो रहा है 9 बज रहा है, इंडिया अमेरिका से जो टाइम होगा वो 10:30 के आसपास हो रहा होगा, ठीक है। तो ये एक रेड कैंडल था, वापस से 4 आवर्स का रेड कैंडल है, और ये जो चीज़ें हैं यहाँ इस तरह से कुछ दिख रही हैं, ठीक है। तो लेट्स सी आगे क्या हो रहा है, बट मैं कहूँगा थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुल रहना है, ब्रेक होता है तब हम यहाँ पे पॉजिटिव हो सकते हैं, अदरवाइज बहुत सारे यहाँ पे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। और जब भी प्राइस एक रेजिस्टेंस के आसपास आता है, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे सेलर्स खड़े होते हैं, उस समय कहीं ना कहीं मार्केट में जो बड़े लोग होते हैं ना, उनके ट्वीट्स आते हैं, ठीक है, कि भाई ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये आने वाला है, अलग अलग मोटिवेशनल वाले ट्वीट्स आते हैं। इसमें आम आदमी जो होता है, आम इंडिविजुअल ट्रेडर्स जो होता है, वो थोड़ा सा एक धोखा खा जाता है, उसको लगता है कि हाँ यार अच्छा खासा कुछ होगा, चलो निवेश करो निवेश करो, ठीक है। ट्रेडिंग में बी केयरफुल, उतना ही निवेश करो क्रिप्टो के अंदर, जो अगर लॉस भी होता है तो आपको ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, पड़ना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि ऑनेस्टली मेरा एक यही एडवाइस रहेगा कि आप भले क्रिप्टो में आप ट्रेड करते हो, फॉरेक्स में करते हो, स्टॉक मार्केट में करते हो, स्टॉप लॉस लगाना सीखो, ओके। और जो कैलकुलेशन है, आप रिस्क एंड मैनेजमेंट वाली एक मेरी वीडियो है उसको चेक कर लेना, हाउ टू कैलकुलेट योर स्टॉप लॉस, ठीक है, कितना आपको लॉस झेलना है, ओके, 2% ऑफ योर अकाउंट बैलेंस, ये एक पहला निकालना है कितना अमाउंट होता है। और उसके साथ आपको दूसरी चीज़ ये देखनी कि आपका SL कहाँ लग रहा है। तो जब रिस्क अमाउंट और चार्ट देख के SL कहाँ लगेगा, ये दो चीज़ आपको जब मिलती है, तब तीसरी चीज़ जो होती है मेन क्वांटिटी, वो आपके सामने आती है। तो जब आप ट्रेड डालते हो तो आपको क्वांटिटी उतनी उठानी है, स्टॉप लॉस भले ऊपर नीचे होने दो, 10% नीचे का स्टॉप लॉस आ रहा है, लेकिन क्वांटिटी जो होती है, जो इन दोनों को लेके कैलकुलेट होती है, उस हिसाब से आप जब ट्रेड करते हो और आपका SL हिट होता है, चाहे वो 10% नीचे है, आपका जो लॉस होता है डेट वुड बी 2%, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हो आप लोग सब मिस ना हो। और प्लीज़ अपनी राय ज़रूर यहाँ पे मेंशन करना, व्हाट यू थिंक कि ये जो ट्वीट है एलन मस्क ने डाला है, क्या हो सकता है कल के दिन, क्या हो सकता है मार्केट के अंदर, फटाफट कमेंट करके बताइए, ठीक है। जल्द मिलेंगे, तब तक टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।